को सलाम करो, मुझे तो होश नहीं, तुम ही मशवरा दो, कहां से छेड़ू फसाना कहां तमाम करो। मैं थोड़ा तालियों का सपोर्ट ज्यादा लेता हूँ, इतना आपको बुरा नहीं लगता। मेरे शेर के बाद वाली तालियां आप बजाने, आप जरा ये म्यूजिक आ गया था। दिलीप साहब का ये शेर है जो उन्होंने हाल में किसी मुशायरे में सुनाया था, तो मेरे जहन से वो गुजर रहा था, मैंने आपके सामने रखा। आने वाले कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं, बशर्ते कि आप उसी मूड से मुझे सुनने के लिए तैयार रहूं जिस मूड से मैं बोलने के लिए तैयार हूं। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आप तैयार हैं? क्योंकि केवल यस बोलने से तैयारी नहीं होती है। पिछले 20 वर्षों से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैंने डायरेक्ट सेलिंग से अपना करियर शुरू किया था 1991 में। मेरा साहब मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, ये मुझे गुरु कहते हैं, लेकिन हैं मेरे दोस्त, मैं इनको दोस्त मानता हूं। और 20 सालों से मैंने लाखों लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग दी है। मैं आपको आंकड़े में बता सकता हूं कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग लेकर आज की डेट में 4 से 5 करोड़ का ब्याह कमा रहे हैं। कम से कम चाहे वो मेरी वीडियो से कमा रहे हो, मैं इतना नहीं कमाता जितना वो कमाते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर और कोच में फर्क होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मैं उनका कोच हूं। आने वाले कुछ मिनट आपकी जिंदगी इस तरीके से बदलेंगे, क्योंकि हम म्यूजिक का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे। जहां मैं बीच में बोलूंगा वहीं भाई बजाएंगे। मैं चाहूंगा मैं जो आपको बोलूं उसको माइंड में कहीं नोट कर लें, और मैं आपसे पूछूंगा मैंने क्या बोला है, और अगर आप नहीं बता पाए तो इसका मतलब आपके कान सुन रहे थे लेकिन दिल काम नहीं कर रहा। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो जोर से यस बोलिए, यहां बोल सकते हैं, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। मैं हिंदुस्तान के कोने कोने सेमिनार करता हूं, गांव गांव में जाकर सेमिनार करता हूं। मैं शायद एकमात्र खुशकिस्मत ट्रेनर हूं इस भारतवर्ष का जो गांव में जाके भी सेमिनार करता है। 3 भाषाओं में मैं सेमिनार करता हूं, हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली। हालांकि बंगाली मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन मुझे भाषाओं को सीखने का शौक है। पंजाबी में अभी समझता हूं, बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने मुझे सिखाया कि पंजाबी में तो सिर्फ जो ठीक लगे बोलना शुरू करो, जिन्हें मुझे समझ में आए बोलना भी प्रॉब्लम है। अब पता नहीं इन्होंने ठीक सिखाया या नहीं सिखाया, मगर उन्होंने मुझे हिम्मत को दी कम से कम पंजाबी बोलने। पानीपत मेरा अपना शहर है। इसका कारण यह है कि मेरे सगे ताऊ जी के बेटे यहां रहते हैं, और जहां पर हम टोल नाका क्रॉस करते हैं बस उसी के पास वो रहते हैं। तो उनको पता नहीं है मैं आया हुआ हूं। अगर मैं उनको बता दूं कि मैं आया हुआ हूं तो मुझे सेमिनार छोड़ना पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं यहां के लोग सेवा करने में और बुलाने में बहुत बड़े वाले दिल के होते हैं। तो खैर मैंने उनको इन्फॉर्म नहीं किया है। मैं धीरे धीरे आपसे आगे चलूंगा, और आप में से जो लोग सीरियस अगली बार जब सेमिनार में आए तो कम से कम एक काम जरूर करें, खासकर मेरे सेमिनार में अगर आप आए। आप कुछ कह रहे थे मुझे सब, शायद आप कुछ कह रहे थे। मैं जब नजरें बड़ी तेज है, बचना मुश्किल है जी। मैं 5,000 लोगों तक को संबोधित करता हूं, वहीं पे जाके पकड़ लूंगा मैं। तो अगर आप मेरी बात के बाद कुछ कह रहे होंगे तो मैं तुरंत बुला लूंगा आपको, और मैं जानना चाहूंगा कि मैं आपसे क्या सीख सकता हूं जी। तो आप तैयार रहें क्योंकि मैं आपको देखता रहूंगा। और जैसा कि मेरे पहले भाई साहब ने बड़ी सुंदर प्रेजेंटेशन दी, मैं एक बार डॉक्टर माथुर साहब ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, और उन्होंने बिल्कुल देखो साधारण और देशी भाषा में पूरे प्लान को घड़ी देख के 120 सेकंड में समझा दिया। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? इसको कहते हैं वाक्य शैली, बोलने की तरह। मुझे याद है एक स्कूल में किसी छात्र से पूछा गया कि अगर एक जगह 10 बकरियां हैं और वहां अगर शेर आ गया तो कितनी बचेंगी। आपने पुरानी कहानी सुनी होगी, मेरे हिसाब से सुने तो जो मैथमेटिक्स का जोड़ और घटाव का स्टूडेंट था जिसके 90% मार्क्स आते थे, उसने कहा कि अगर एक को चब आ गया तो 9 बचेंगे। लेकिन पीछे एक लड़का बैठा हुआ था जिसको मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती थी, 0 नंबर लाता था, उसने कहा कि एक भी नहीं बचेंगे क्योंकि मैं बकरियां पालता हूं और हमारे यहां शेर आते रहते हैं, जब वो एक को खाता है तो 9 भाग जाती है, तो एक भी नहीं बचेंगे। तो इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। आप समझ रहे थे क्या कहना चाह रहा हूं? तो अगर आपका एक्सपीरियंस है किसी चीज में तो आप उसी काम को बहुत जल्दी कर पाएंगे। अभी तक जितने भी वक्ता है उन्होंने आपको बताया कि आप अगर परचेज करें तो उससे आपको कैसे लाभ मिलेगा, वो सारी बातें कवर हो चुकी हैं।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में सफल होने के लिए किस तरह का जिगरा चाहिए, किस तरह की आग चाहिए। सबसे पहले तो 20 साल के मेरे ट्रेनिंग के इतिहास में मुझे खुशियां पता ही कम हो रही है। मैं जहां जहां जाता हूं, डायरेक्ट ट्रेनिंग के प्रोग्राम करता हूं, वहां वहां मैं लोगों को कहता हूं, भाई अपने प्रोग्राम में महिलाओं को जरूर लाओ, मेल के साथ फीमेल भी लाओ, जीमेल लाओ या ना लाओ, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना जी। क्योंकि 74% महिलाएं इस प्रोफेशन में हमसे ज्यादा सफल है। वो प्लान व्लान नहीं दिखाती हैं, वो सीधा कहती ज्वाइन करना है तो कहते चला जा और लोग ज्वाइन कर लेते हैं, और थोड़ा मगर मुस्कुरा के कहते तो पूरी दुनिया ज्वाइन कर लेती है। जहां से अच्छी लगे बात ताली बजाते जाइएगा। मैंने कहा भाई साहब को कि म्यूजिक का सपोर्ट मैं तभी लूंगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी, पता नहीं कुछ बात ही अलग है उनमें, यू नो बैठते ही लोग ज्वाइन कर लेते हैं। इसलिए आप जी मैं सही कह रहा हूं कि जरा जरा मुझे सपोर्ट करें जी, कुछ बात है। इसलिए देखेंगे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में महिलाएं रिसेप्शनिस्ट पे होती हैं, कहते हैं जब स्वागत कक्ष में महिलाएं बैठी होती हैं, गुड मॉर्निंग नमस्ते, पुरुष नहीं बैठते, गुस्सा में बस जल्दी आ जाता है, हमारा टेम्परामेंट ठीक नहीं रहता है, गुड मॉर्निंग किसी ने नहीं बोला गुड मॉर्निंग, अच्छा मत बोल गुड मॉर्निंग, तो हम बहुत टेम्परामेंट हमारे बहुत कम है हमारा। और इस लाइन के अंदर अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपका मूड और टेम्परामेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। धीरे धीरे हम आगे चलेंगे क्योंकि मेरे पास समय है आपसे बात करने के लिए, और ये पूरा 50 मिनट और 5 मिनट का सेमिनार जो मैं आपको दे रहा हूं तो नहीं, जो आपको हीरो जीरो से हीरो या हीरो से हीरोइस्ट या हीरो से हीरोइन जो भी बनना चाहें आप, और जो भी आपके अचीवर्स की लिस्ट दी गई है और जो भी आपके बोनस और अवार्ड दिए गए हैं आपको अचीव करना चाहें, तो इससे पहले भी मैं आगे चलूं, आइए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप में से कितने लोगों के पास सपने हैं? हाँ, क्योंकि ये प्रोग्राम उन्हीं के लिए लागू होता है जिनके पास सपने हैं। अब आपके पास मजबूरी है, या तो हाथ उठाएंगे या हाथ नहीं उठाएंगे, आप नहीं उठाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद अंकल ने भी हाथ उठाया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका कारण ये है, इसका कारण ये है कि इस बिजनेस में सफल ही वो होगा जिसके पास सपने हैं। आप फिर जाके हर इंसान से पूछे तुम्हारे जीवन का गोल क्या है, जनरल उत्तर आपको मिलेगा मेरा जीवन ही गोल है। आप उससे पूछे तुम आने वाले 3 साल में क्या करना चाहते हो, बोले आज का भरोसा नहीं, तुम 3 साल की बात करते हो। एक रिसर्च ये बताती है, ध्यान से सुनिए, आप स्कूल में गए नहीं गए, इस बिजनेस की खास बात ये है अनपढ़ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं, पढ़े लिखे लोग थोड़ा सोचते ज्यादा है, जैसे कि भाई साहब ने मुझे पहले बताया। मैं आपको बताता हूं पढ़े लिखे बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या होती है इस बिजनेस में, बहुत दिमाग लगाएगा, अच्छा सोचता हूं, देखता हूं, बताऊंगा, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, और जो साधारण है ज्यादा अनपढ़ मतलब जो साधारण है जिसमें कोई अहंकार नहीं है उसको सीधा बताओ कि सीधा आ जाता है, तो जो ज्यादा पढ़ जाता है उसकी स्थिति क्या होती है मैं आपको दिखाता हूं, और आप मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा, एक्सप्रेशन दीजिएगा। अच्छा मेरा साथ, धन्यवाद, एक्सप्रेशन दीजिएगा। हमारे सेमिनार में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो चेहरे पे मुस्कुराहट, कुछ लोगों के पेट में कभी होती है उसके चेहरे पे होती है, कभी नहीं मुस्कुराएंगे, बहुत सीरियस इंसान है, बहुत सीरियस। मैंने किसी को जाके एक दिन बोला गुड मॉर्निंग, तो कहता है जिस मॉर्निंग में पहले गुड क्या है वो बताओ, उसके बाद तो कमाल है, कुछ लोग हंसते नहीं, हंसेंगे भी नहीं। और मैं आपको बताऊं अगर आपने बेसिक 4-5 बातें मुझसे सीख ली, प्लान प्लान पे तो मैं जाना ही नहीं चाहता हूं क्योंकि वो इतना बढ़िया समझा दिया है कि मैं उससे बढ़िया नहीं समझा सकता, मैं स्वीकार करता हूं उस बात, लेकिन बेसिक 4-5 बातें अगर आपने मुझसे सीख ली और यहां से निकल के आपने उस पर काम कर लिया तो नेक्स्ट 90 दिन में वो चमत्कार होगा जो आज तक नहीं हुआ है, ये मेरा वादा है। मेरे सेमिनार टाइम बाउंड होता है, टाइम बाउंड मतलब जो मैं बोलने जा रहा हूं आपको 90 दिन में वो काम करना है, 90 दिन के बाद आपको दूसरा डोज देना पड़ेगा, 90 दिन बाद ये दवा खत्म हो जाएगी, आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं। तो वापस लौटते हैं, जो ज्यादा सोचते हैं वो किसी तकलीफ में आते हैं, देखिए उसके बाद मैं अपने सेमिनार के अंदर एंटर करूंगा। एक ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा है, और ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति कुछ ऐसा ही गुजरता है, सोचता रहता है, गुजर रहा है, उसको बोलते हैं मिठल्ला चिंतन। मानसिक व्यायाम, बौद्धिक व्यायाम, बहुत ज्यादा सोचेगा करेगा कुछ नहीं,
तो वो रास्ते से गुजर रहा है और गुजरते हुए उसने देखा कुछ रास्ते में पड़ा हुआ है। आप मुझे देखते जाइए, इशारों में बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कोई चीज पड़ी हुई है। तो एक साधारण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भाई रास्ते में कोई गंदी चीज पड़ी हुई है, बगल से निकल जाओ, सही या गलत? थोड़ा जोर से सही। लेकिन ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति बगल से नहीं गुजरता है, वो थोड़ा बैठता है, नीचे बैठता है, बैठने के बाद उसको छूता है, छूने के बाद कहता है अच्छा लग तो वो कबूतर की बीच गिरी हुई थी, लग तो वो बीत ही रही है, अभी भी विश्वास नहीं हुआ। फिर नजदीक लेके सूंघता है, कहता लगता तो है वही होगी, फिर और कुछ करता है वो मैं बता नहीं पाऊंगा। मुझे मंच के अपने शब्दों को बहुत ध्यान में रख के बोलना पड़ता है क्योंकि मैं पब्लिक फिगर, प्राइवेटली बहुत जोक सुना सकता हूं आपको, मंच पर आते वक्त सतर्क रहना पड़ता है, एक एक शब्द बिल्कुल बारीकी से बोलना पड़ता है। खैर जो भी उसने किया, फिर वो उठा, उठ के पीछे गया और पीछे जाके कूदा उसके ऊपर से और कहता भगवान की कृपा है मेरा पैर नहीं गिरा इसके ऊपर, सारा कुछ तो गिर गया और गिरना बाकी क्या, ये ज्यादा सोचने वालों की तकलीफ है। मैं गिन के आपको बता दूंगा, अगर आप 15 लोगों को प्लान दोगे एक व्यक्ति ज्वाइन करेगा, थोड़ा जोर से रिस्पॉन्स करेंगे। आप जितना कह लें डिस्काउंट मिलता है, कैश अवार्ड आएगा, कैशबैक आएगा, तू किसी को वो एक करेगा। इसका कारण याद रखें, हम सब पुराने विचारधाराओं के गुलाम हैं, हम नई चीजों को एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते हैं, हम नए चीज के साथ नया काम करना नहीं चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले ये कह रहा था आपको कि 20 साल के इतिहास में उंगलियों में काउंट कर सकता हूं किस सेमिनार में मैंने ज्यादा महिलाओं को देखा है। एक तो जब मैं नेपाल जाता हूं तब मैं बहुत महिलाओं को देखता हूं क्योंकि वहां पे 70% डायरेक्ट सेलिंग में महिलाएं हैं। अभी नेपाल में डायरेक्ट सेलिंग बंद है लेकिन वहां पर बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। दूसरी जो स्टेट है हमारे भारतवर्ष में जहां पर मैं बहुत महिलाओं को देखता हूं इस प्रोफेशन में, वो नॉर्थ ईस्ट है। और उसके बाद जो मुझे तसल्ली मिली है आज, वो आपका ये शहर हरियाणा है। आइए पानी पास करिए हरियाणा। और मैं राधर, आप मुझे सुनने के लिए व्याकुल थे, मैं पेबैक का और सारे सीनियर्स का और सारे डायरेक्टर्स का और मेरा साथ का और सबका धन्यवाद हूं क्योंकि उन्होंने मौका दिया मुझे आपसे बात करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं इसमें कोई छुपा रुस्तम तो बैठा है या बैठी है। चेहरे से मत जाइएगा, चेहरे से मत जाइए किसके अंदर कौन शेर या दवा शेर बैठा हुआ है। कभी कभी हो सकता है किसी के अंदर जोश ना हो, वो ताली ना बजाए, लेकिन निकलने के बाद वो चमत्कार कर सकता है। इसलिए मैं आपसे एक बात बताऊं, इस बिजनेस के अंदर किसी को जज मत कीजिएगा, सारे पुरुष से मैं कहना चाह रहा हूं इस बिजनेस के अंदर किसी को जज मत कीजिएगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि अगर 90 दिन में हमें कोई बड़ा टारगेट अचीव करना है, टारगेट शब्द समझ में आ रहा होगा, जोर से बोले यस सर। 20 साल पहले मैंने अंग्रेजी के कुछ शब्द बोलने शुरू किए, यू नो आई वॉज नॉट गुड इन इंग्लिश, सो आई जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश, जो आपके सबसे ऊपर से भी निकलने वाली है। और मेरे सर के ऊपर भी उस दिन से निकल गई थी। सो ही वॉज टॉकिंग लाइक दिस, द वे आई एम टॉकिंग टू यू लाइक दिस, ये ऊपर से निकलती जा रही थी और मैं आगे बैठ के कह रहा था पागल आदमी मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, जो आप सोच रहे होंगे इस बार। लेकिन उस दिन एक विचित्र घटना घटी, अंग्रेजी आए या ना आए वो इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन सीखने की जुनून होना चाहिए। माने कि तो जब वो व्यक्ति अंग्रेजी में बोल रहा था, क्योंकि मैं 20 साल पहले 23 साल पहले एग्जैक्टली इस शहर में, दिल्ली शहर में 1991 में मैं दिल्ली में आया था, मेरे पिताजी का व्यापार, भरा हुआ व्यापार खराब हो गया, 4 दुकानें थी कलकत्ते शहर में, वो बैंकक्रप्ट हो गए, उनको बिजनेस करना नहीं आता था या किस्मत साथ नहीं थी, मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा। मैं मानता हूं कि 99% आपको मेहनत करनी पड़ती है, जैसा कि बाबूजी ने भी कहा 1% किस्मत साथ देती है। तो मैं 1991 में शहर में आया और भाग कर आना पड़ा क्योंकि हमारे डैडी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। और जब यहां आया तो 6 महीने बाद मेरे डैडी की मृत्यु हो चुकी थी, मेरी 21 साल की उम्र थी, 2 बहनें मेरी जिम्मेदारी थी, इनकी मुझे शादी करवानी थी और मैं सोच रहा था मैं क्या करूं। 1850 रुपए की मुझे जॉब मिली थी, नौकरी सेल्समैन की जॉब मिली थी और मैं हर दुकान, हर दरवाजे, हर मोहल्ले, हर घर में
सेल्समैन का काम करता था कि भाई 15 लोगों से मिलूंगा, 20 लोगों से मिलूंगा, कोई ना कोई खरीद लेगा। क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूँ? yes, क्या मैं अपनी कहानी से आप तक पहुंच पा रहा हूँ? yes, आप जरूर अपने आप से मुझे रिलेट कर लेंगे। और ये काम मैं करता था, मुझे याद है मैंने पहली बार 2 बेडरूम का फ्लैट देखा था। पहले 1 बेडरूम में रहते थे माता जी, दोनों सिस्टर में, उसी में किचन भी था और बाकी सब भी आप समझ रहे हैं मैनेज करके करना पड़ता था। तो 2 बेडरूम मतलब एक सेपरेट रूम होता है, एक प्राइवेट किचन होता है, एक वॉशरूम होता है। हमने तो वॉशरूम सुना भी नहीं था क्योंकि हम तो होलसेल में जाते थे ना, लाइन लगती थी। 11वां 12वां 15वां नंबर मेरा होता था। अच्छा टाइम भी फिक्स हुआ करता था 90 सेकंड। 90 सेकंड बाद आपको बाहर आना पड़ेगा, वरना पीछे वाला तैयार रहता था। तो आज भी आदत पड़ी हुई है, आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूं। तो क्या की आदत पड़ी हुई है, 90 सेकंड गजब है जीवन पे। तो ये मेरी हालत थी। तो मैंने 2 बेडरूम का पहली बार फ्लैट देखा। वो सभी मित्र जो नौकरी के अंदर हैं या नौकरी करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये वाला एग्जांपल बड़ा मजेदार होगा। फिर मैं हाउसवाइफ पे आता हूं और मैडम्स पे आता हूं। तो मैंने 2 बेडरूम का फ्लैट देखा मित्रों, और तो जो प्रॉपर्टी डीलर मुझे फ्लैट दिखा रहा था, मुझे कह रहा था देखिए यहां से सूरज बहुत प्यारा उगता हुआ आपको दिखेगा। अपना सूरज तो डूबा हुआ था तो यहां से रात को व्यू बहुत बढ़िया आएगा। अंदर में इच्छाएं खिल रही थी, चलो भाई 2 बेडरूम के फ्लैट में रहेंगे। जब दिखाते दिखाते वो रसोई तक जाने वाला था, अचानक उसके मुंह से निकल पड़ा, भाई साहब किराया 3,500 रुपए है, तनख्वाह की डबल। फिर वो कहा आओ आपको रसोई भी दिखाते हैं। मैंने कहा रुक जा, अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तो तेरे को किराया देने के बाद खाने के पैसे बचेंगे नहीं, तो रसोई दिखा के फायदा क्या। मैं तब ये समझता था मित्रों कि सब कुछ ऊपर वाला सेट कर चुका होता है, या तो आपकी किस्मत में पैसा है या नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। ऐसी मेरी सोच थी और मेरे विचार थे। एवरेज इंसान की ऐसी सोच होती है कि या तो हम एक अमीर घर में पैदा हुए या फिर पैदा नहीं हुए। लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूं, एक अमीर बेटा जो अनट्रेंड है उसके हाथ में भी आप पैसा दे दीजिए, वो अपने बाप को गरीब बना देगा, वो अपने बाप को गरीब बना देगा। और एक गरीब बेटा जो ट्रेंड है उसके हाथ में पैसा दे दीजिए, वो अपने बाप को अमीर बना देगा। मैं सिखाता हूं तालियां कैसे बजाई जाती है, मैं बताता हूं तालियां कैसे बजाई जाती है। किसी को देख के शर्माए ना, अगर इतनी जोर से ताली बजाऊंगी तो क्या होगा। हमारे एक मित्र थे, आजकल मिले नहीं है, नरा जी जानते हैं इनको, वो कहते थे आ रहा ताल कटोरा या काम। बात करेंगे लंचित उसके बारे में। आ रहा ताल ताली अगर बजानी है, जिस संस्था के साथ आप जुड़े हैं, मेरा सपना हुआ करता था कि मैं अपने, ध्यान से सुनिएगा, आज से 5 साल पहले मेरा सपना हुआ करता था, मैं जो मेरा ग्रोसरी शॉप है जहां से मैं चावल तेल भी खरीदता हूं, उसको मैं आइडिया ये दूं कि भाई हमारे, मैं जिस जगह रहता हूं वहां कम से कम 100 अपार्टमेंट है, एक एक अपार्टमेंट में 150 फ्लैट है, 150 × 100 समझ सकते हैं कितने फ्लैट है। तो मैं सोच रहा था मैं उसको एक आइडिया ये दूं कि भाई तेरे दुकान में जो भी सामान खरीदने आता है तू सामान की लिस्ट उसके सामने रख दे, वो सामान पे टिक करेगा और सामान खरीदेगा, डिस्काउंट तो उसको देगा ही देगा, लेकिन उस फॉरम के ऊपर एक नाम लिखा होगा, एक कॉलम बना होगा, किसने आपको मेरी दुकान पर भेजा, या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं। yes, तो तू उस पर मेरा नाम लिख देना क्योंकि मैंने भेजा। और जब तू मेरा नाम लिखेगा तो जितने का वो सामान खरीदेगा उसका 1% तू मेरे अकाउंट में डाल देना, तो उसको उसका डिस्काउंट मिल गया। और चूंकि मैंने उसको यहां भेजा, मुझे मेरी कमाई हो गई। ये आइडिया मैंने सोचा था 5 साल पहले, मुझे नहीं पता था मैं सोचता रह जाऊंगा और पे बैक वाले करके निकल जाएंगे। और मुझे नहीं पता था कि जो करके निकल जाएंगे उन्हीं के मंच में मुझे मौका मिलेगा इस बात को करने के लिए। तो आप मुझे धन्यवाद भी, मैं इसको धन्यवाद देना चाहूंगा। और समझिए इस खेल को, समझिए आप, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप स्कूल गए हैं या नहीं गए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अंग्रेजी आती है या नहीं आती इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी उम्र 40 से नीचे है 40 से ऊपर है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आपके अंदर 2-3 चीजें मुझे खोजनी है जिस पर मैं धीरे धीरे बात करूंगा, और मुझे उम्मीद है मेरा अभी तक का रिकॉर्ड बिल्कुल सही गया है जहां 20 सालों में, मुझे उम्मीद है कि जब यहां से आप निकलेंगे
केवल सोच तक आप सीमित नहीं रहेंगे, इस सोच को कुछ काम में भी यूज करेंगे। तो मुझे याद है मैं एक ऐसे सेमिनार में आया था और जैसे आपको बुलाया गया वैसे आया था, जैसे उस भाई को मैंने पकड़ा मुझे भी किसी ने पकड़ा था, मैंने भी ऐसे पकड़ा था भाई, चलो मैं कुछ आपस में बात कर रहा था, उन्होंने मुझे पकड़ा और मुझसे पूछा और मैं उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि वो अंग्रेजी में बोल रहे थे और वहां अंग्रेजी बोलने की आवश्यकता नहीं। मेरी बात आपका समझ में आ रही है तो रिस्पॉन्स करें। तो मैंने प्रोग्राम के बाद पहली बार ये समझा, और ये लाइन आप नोट करें पेपर पे नहीं दिमाग में, उस प्रोग्राम में मुझे पहली बार समझ में आया कि नौकरी दो वक्त की रोटी देती है और एक्स्ट्रा इनकम आपकी किस्मत बनाती है। उस प्रोग्राम में समझ में आया, नौकरी रिपीट करें मुझे क्या देती है, और उसके ऊपर कोई अगर आप पार्ट टाइम बिजनेस करें वो आपकी किस्मत बनाती है, क्योंकि केवल नौकरी से आप जरूरत की चीजें ला सकती हैं, इच्छाओं की चीजें नहीं ला सकती है, ला नहीं सकती हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगी तो सबसे पहले आपको रेट कार्ड देखना पड़ेगा, आपका बच्चा कोई खरीदने की चीज डिमांड करेगा तो आप कहेंगे बेटे ये हमारी कैपेसिटी से बाहर है, ये मेरी क्षमता के बाहर है। आज आपके पास अगर एंड्रॉयड का मोबाइल फोन नहीं है जो आप पे बैक से लेंगे तो सस्ता मिलेगा, राइट? आज अगर आपके पास एंड्रॉयड का मोबाइल फोन नहीं है तो जाति के आधार पर तो बैकवर्ड क्लास मैं नहीं मानता हूं, मोबाइल ना होने के आधार पर बैकवर्ड क्लास हो जाएंगे। जाति पर तो मैं नहीं मानता हूं, तो जाति पर बैकवर्ड क्लास कैसे हो सकता है, भाषा पर बैकवर्ड क्लास कैसे हो सकता है, हम सब उसके बनाए हुए हैं। लेकिन मेरी बच्ची के पास अगर लेटेस्ट मोबाइल नहीं है तो वो बच्ची अपने स्कूल में छुप छुप के बात करेगी, क्योंकि वो तमाम दोस्तों के बीच बहुत ही बैकवर्ड क्लास मानी जाएगी। सहमत है तो जरा जोर से ताली बजाएं। आगे चलता हूं। अब ये बच्ची घर में आएगी और आपसे कहेगी मम्मी कम से कम 6000 रुपए का एक एंड्रॉयड फोन तो खरीदो जिस पर मैं व्हाट्सएप देख सकूं, मूवीज देख सकूं, फलाना देख सकूं। देखा हम उसको कहेंगे बेटे 4 महीने बाद, क्योंकि 1000 रुपए करके या 1200 रुपए करके अगर मैं जमा करूंगी तब जाके तेरा ये मोबाइल फोन आएगा। सैलरी वाला इंसान बजट के हिसाब से चलता है, क्या मैं आप तक नहीं पहुंच पा रहा हूं? वो बिना बजट के चले नहीं पाए। नोट कर लीजिएगा इस बात को, इससे पहले कि मैं अंग्रेजी पे आऊं, नोट कर लीजिएगा इस बात को मन में, दुनिया की दो भयंकर बीमारी है, एक खाली जेब और दूसरा खाली पेट। और अगर हम इस बीमारी से ग्रसित हैं तो माफ कीजिएगा, हम जब खुद ही मरे हुए तो दूसरों को क्या सुख दे पाएंगे। मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं दोस्तों, मैं जगह खाली जेब और खाली पेट। और जितनी भी लड़ाइयां होती हैं, परेशानियां होती हैं, दुख होते हैं, तनाव होते हैं, उनका रिसर्च निकाला गया है कि लोग क्यों इतने दुखी होते हैं, क्यों इतने क्रोधित होते हैं, जिनका पेट भरा हुआ है वो कभी लड़ाई नहीं कर सकते, जो बिल्कुल खुश है वो कभी गुस्सा कर ही नहीं सकते। आप देखो खुश और गुस्सा करके देखो, मैं चुनौती देता हूं आपको, मैं बहुत गुस्से में हूं, कोई नहीं आएगा नहीं, क्योंकि आप भरे हुए हैं। जब आप खाली होते हैं तब क्रोध, गुस्सा, लड़ाई, घर में तनाव, टेंशन, हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम, ये वो रिश्तेदार आके आपको और चार सुना जाएंगे। वापस लौटते हैं, मैं भी इसी कैटेगरी का था, मेरे पिताजी मर चुके थे, मेरे ऊपर लोन छोड़ गए थे, मेरी दो सिस्टर थी उनमें से एक शादी के कगार पे थी, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, 1850 रुपए तनख्वाह थी, मम्मी पराठे बना के दे देती थी और कहती थी 2 रुपए या 4 रुपए के छोले मिलते हैं वो लेके पराठे खा लेना। क्या मेरी कहानी आपसे मिल रही है? आपको खा लेना। और रात को 10 बजे के बाद वो सब्जियां खरीदती थी, बताओ क्यों? सस्ती मिलेंगी। ये मेरी स्टोरी थी कुछ साल तक, जब मैं कलकत्ता से दिल्ली आया, फिर मैं एक ऐसे सेमिनार में आया और सेमिनार में मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया गया, इस बिजनेस के बारे में मतलब एक्स्ट्रा इनकम कैसे करें, उस बिजनेस के बारे में बताया गया। अब उस सेमिनार में और भी लोग आए थे, कुछ लोग तो कह गए पागल बना रहा है फलाना ढिकाना, और लोग कहेंगे जोर से जरा रिस्पॉन्स करें, क्योंकि जो हर एक चीज नहीं होती जीवन में, कुछ लोग ये कह रहे थे। लेकिन प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैंने उस बंदे को खोजा, उस आदमी को खोजा जो मुझे लेके आया था, और सबसे पहला काम जो माथुर साहब ने मुझे हमें आज सिखाया कि भाई 100 रुपए भी अगर दो लेकिन कुछ खरीदो, मैंने 1000 रुपए देके
कुछ खरीदा, क्योंकि जब तक टिकट नहीं खरीदोगे तब तक अमेरिका नहीं जा सकते। जब मैं आप तक पहुंच पाऊं, जब तक टिकट नहीं खरीदोगे तब तक जब तक जेब से पैसे नहीं निकलेंगे तब तक बातें ही बातें हैं, एक्शन नहीं है। जिस वक्त जेब से पैसे निकलते हैं तब एक्शन होता है। तो मैंने जेब से पैसे निकाले, 850 रुपए बचे थे, 1000 रुपए मैंने खर्च किए, क्योंकि मुझे पता था इस 1000 के आगे बिंदिया लगने वाली है। देखो पैसे की बात कर रहा हूं, शर्माना मत। हमारे देश में लोग पैसे की बातों में घबरा जाते हैं, और हमारे देश में माफ करना, मैं अपने देश को बहुत प्यार करता हूं। मेरा एक ही ड्रीम है जो मेरी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, मेरी बायोग्राफी पढ़ना, उसमें लिखा है अंग्रेजी में। राजेश अग्रवाल का एक ही ड्रीम है, हर भारतीय को अमीर, सफल और सुखी देखना। एक ही ड्रीम है मेरा, हर भारतीय से, और कोई सपना नहीं है मेरा। क्योंकि मैंने गरीबी देखी है, मैंने लोगों के आगे हाथ फैलाने वाली स्थिति देखी है, तो मैं जानता हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आप दो बीमारियों से मुक्त हो। एक पेट की बीमारी, खाली पेट यानी भूख, और एक पैसे की बीमारी है। दो बीमारियां मार डालती है, परेशान कर देती है। तुलसी संसार में मतलब का व्यवहार, जब तक पैसा पास में तब तक ताको यार, तब तक ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुझसे नहीं बोले। गोस्वामी तुलसीदास, राजेश अग्रवाल नहीं बोल रहा है, गोस्वामी तुलसीदास। दोस्तों मैं इस सेमिनार में आया, मैं बैठा, मैंने काम शुरू किया, मैंने एक लाइन को समझा। तो 1991 की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, आज 2016 में मैं बैठा हुआ हूं। ईश्वर की कृपा है, आप सबने इतना मेरा स्वागत किया, मुझे 172 देशों में सुना जाता है, 135 देशों के लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, 25 लाख लोगों तक मैं पहुंच चुका हूं। अब मैं नहीं बताना चाहूंगा कि मैं कितना कमाता हूं, इनकम टैक्स की रेट पड़ सकती है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं जी। बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक निर्णय जो मैंने पीछे बैठ के लिया था उसने मेरी जिंदगी बदल दी। और मेरा प्रश्न आपसे ये है, अगर मैं कर सकता हूं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं? क्या करना पड़ेगा? अब वहां पर आते हैं। अब तक तो मैंने बोला क्या करना, कैसे करना पड़ेगा, अब उस पर आते हैं। चार पांच चीजों पर ध्यान दें। अगर आने वाले 90 दिन में आपको कुछ चमत्कार करना, और 90 दिन कह रहा हूं तो 90 दिन याद रखना, भूलना नहीं। केवल 3% लोगों की जेब में पर्ची पड़ी होती है कि उनको जीवन में क्या करना है, केवल 3%। 97 कहते हैं जैसा मौका मिलेगा काम करते जाएंगे। उनको मैं कहता हूं दुर्घटनाग्रस्त जन। उनसे पूछो तुम क्यों पैदा हुए, वो कहने हमने एप्लीकेशन नहीं दी थी, हमने मम्मी पापा से बात करो हमारे, हमने कोई एप्लीकेशन दी थी हमें पैदा करो। वो 24 घंटे माँ बाप को क्रिटिसाइज करते रहेंगे। अभी अभी नीचे मेरे पिताजी के ऊपर एक चर्चा चल रही थी, तो मैं नीचे कह रहा था बहुत से मामलों में मेरे पिताजी की बनी नहीं, बहुत से मामलों में, लेकिन हर वक्त जब भी मंच पर जाता हूं तो उनका धन्यवाद देना ही पड़ेगा। क्यों? अगर मेरे पिता और माता निर्णय ना लेते तो मैं आपके सामने ना होता। तो आप चाहे या ना चाहे उनके लिए तालियां बजानी पड़ेंगी, मैं उनसे कम ना। क्या करना पड़ेगा अगले 90 दिन में ताकि आप वो अचीव कर पाए जो करना चाहते हैं? देखो एक बात याद रखना, ये दुनिया सफलताओं की कहानी सुनने में इंटरेस्टेड है, असफलताओं की कहानी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। मैं ये कर सकता था, मैं वो बन सकता था, मैं ये करके दिखा दूंगा, छोड़ो किया क्या तुमने, किया क्या? ये दुनिया जब आपसे बात करेगी तो आपका रिकॉर्ड खोजेगी, आपने पिछले 5 साल में क्या किया, आपने में कहा, आप कहेंगे नहीं अभी नहीं किया। आप 90 दिन में वो करके दिखाओ जो 5 साल में नहीं किया, यही दुनिया आपके गुलाम हो जाएगी। तो कैसे करना है, आइए एक एक करके हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ले जाऊंगा एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति के पास, जिनको हम सबने किताब में पढ़ा है और जिनका नाम है एडोल्फ हिटलर। हिटलर नाम सुना होगा, घर में भी बोलते होंगे हिटलर जैसा आदमी, हिटलर जैसा व्यवहार करता है। कुछ कुछ पत्नियां अपने पति को ऐसे बोल देती हैं, हिटलर अरविंद कोई फर्क नहीं, हस्बैंड का मतलब ये हंसते हंसते जो बैंड बजाते जानकार ये कहते हैं हिटलर के बारे में ये कहा गया है। ध्यान से सुनना, फिर मैं इस कहानी को इस बिजनेस से रिलेट करूंगा। ध्यान से सुनना, आप में से कितने लोग वक्ता बनना चाहते हैं, मंच पे आना चाहते हैं, हाथ उठाए। कम हाथ उठाया, कम ऑन, मैं आपको बताऊंगा। अभी तो मैंने शुरू किया है मामला, मैं पेबैक का हिस्सा बना हूं
और मैं आप में से बहुत से अचीवर्स को यहाँ देखना चाहूंगा, कितने लोग यहाँ पर आना चाहेंगे? चलो कितने लोग आप आना चाहेंगे? आप आना चाहेंगे? आप सबके बीच पहला सपना शीला का पूरा हो रहा है मंच पर आने, जोरदार तालियां शीला के लिए। हाथ मिलाओ या नमस्ते करो? अच्छा हाथ देखो, वक्ता बने, लोगों को इंस्पायर करें, लोगों को मोटिवेट करें, लेकिन वो तभी होगा जब आप अचीव करेंगे। तो जैसे आज बात अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले मेरे को, जो उनका अमल करें कामयाब हो और आगे बढ़े। मैं देख पा रहा हूँ, मैं आपके चेहरे पर देख पा रहा हूँ, कोई ताकत दुनिया से आपको रोक नहीं सकती। ये राजेश अग्रवाल का वादा है आपसे, जोरदार तालियों के साथ शीला को मिलाकर। जब मैंने शीला को ये बोला, माफ करना मैं आपको शीला कह रहा हूँ, शीला जी कहना चाहिए, जब मैंने शीला जी को ये बोला आपको, कुछ लोग कह रहे हैं भाई भाई आपकी तो आदत ही है तारीफ करने की। कुछ लोगों को ना प्रॉब्लम है, ट्रक के पीछे लिखा होता है बुरी नजर वाले अपनी आंख टेस्ट करा ले। कुछ लोग तारीफ कर ही नहीं पाए। मैं थोड़ी देर बाद हिटलर की कहानी पे लौटता हूं, मैं बताता हूं लोग तारीफ क्यों नहीं कर पाते। कुछ लोगों में नेगेटिव बोलने में मास्टरी कर रखी है, हर चीज में नेगेटिव। अभी मैं 6 दिन पहले दिल्ली के स्कूल में कार्यक्रम कर रहा था, 90 मिनट का कार्यक्रम था, बेहतरीन शिक्षक कैसे बने। भाई आप ज्यादा जानते हैं, आपके 36 साल का एक्सपीरियंस है। तो सर मैं उनका कार्यक्रम कर रहा था, बेहतरीन शिक्षक कैसे बने। आज की डेट में, या आप मानेंगे जब जिस जमाने में आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा, टीचर का पहला क्वालिफिकेशन ये होता था कि भाई वो जब आए तो चेहरे पे चमक हो। मानेंगे आप? नर्सरी का बच्चा तक कहता है मैडम अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, और मैडम अगर बुरी लग रही है बच्चा भी देखने पर तैयार नहीं। तो मैं टीचर को ये बता रहा था कि आपके चेहरे पे चमक होनी बहुत जरूरी है, ड्रेस पहनना जरूरी है, अच्छा दिखना जरूरी है, और बातों में थोड़ा सा ह्यूमर, ह्यूमर मतलब हंसी, थोड़ा मजाक लाना बहुत जरूरी, इतना सीरियस ना है। तो जब मैं ये समझा रहा था तो बीच में जोक भी सुना रहा था। कुछ लोग मतलब इतने टफ होते हैं हमारे लाइन में, जोक सुनाते वक्त भी कहना पड़ा ये जोक का हंसी है। हंसी ना। फिर थोड़ी देर के बाद पहली रूम में एक टीचर हंसी, लेकिन हंसते हंसते उसने क्या किया, अपना रुमाल ऐसे रखा। अच्छा मेरे जो शाकाहारी होते हैं आप देख पा रहे हैं, ऐसे में बात नहीं बोल सकते। तो मैं नीचे आया, मैंने कहा मैडम ये जोक था, जो आप समझ रही है, मुझे गुस्सा आ गया, आप हंस रही। कहती है अग्रवाल साहब आप सुनाते जाओ, मैं तो हंसी रही। तो मैंने कहा मुंह में रुमाल क्यों? बोले मेरे नकली दांत लगे हुए बाहर ना निकल जाए। कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदलने वाले, आप देखते जाओ कैसे स्टेप बाय स्टेप में लेके आओगे। ये मौका एमबीए ग्रेजुएट्स को प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि एमबीए मत कीजिए, हमारे एमबीए लड़के 4,000 की नौकरी करने को तैयार होंगे, लेकिन पे बैक ज्वाइन नहीं करेंगे जब 40 लाख कमा सकते हैं। ये सोचे उनके लिए 4,000 नौकरी करेंगे, क्यों नौकरी करेंगे? मैं नौकरी को खराब नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं तू नौकरी कर, पे बैक को पार्ट टाइम शुरू कर। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? सुनो, 10 से 5 फुल टाइम चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, 10 से 5 फुल टाइम, 5 से 9 पार्ट टाइम। यस सर। जितनी तू नौकरी कर रहा है उतना तू 5 से 9 में कमा लेगा। यस सर। जिस दिन पार्ट टाइम तू फुल टाइम से ज्यादा कमा ले, उस दिन तू डिसाइड कर नौकरी रखनी है छोड़ देनी। और अगर तू नौकरी भी कर रहा है और पार्ट टाइम में कमा रहा है, और मंच पे आके तू ये बोलता है, सुनिएगा सुनिएगा, मंच पे आके तू ये बोलता है, दोस्तों मैंने पे बैक को पार्ट टाइम ज्वाइन किया, मैं 9 से 5 नौकरी करता हूं, मैं 9 से 5 नौकरी करता हूं फुल टाइम और कमाता हूं 5,000 रुपए, मैं 5 से 9 पे बैक करता हूं पार्ट टाइम और कमाता हूं 7,000 रुपए, तेरी ज्वाइनिंग अपने आप हो जाएगी। तुझे कुछ करने की
करोगे नहीं। हिटलर, हिटलर की कहानी में वापस लौटते हैं। हिटलर के यहां ये कहा जाता था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी पावर है आप पर आवर अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, महीना तो भूल जाइए, जो आपका पे आउट आता है जो भी आता है वो भूल जाइए, आवरली बेसिस पे आप अपनी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं। और आपको पैसा क्यों कमाना चाहिए मुझसे सुन लीजिए, आपको पैसा इसलिए कमाना चाहिए ताकि आपके दरवाजे पर कोई आए तो खाली हाथ वापस ना जाए। मेरा फंडा बहुत क्लियर है, केवल अपने लिए नहीं कमाना है, आपके दरवाजे पे कोई आए आपके दरवाजे से खाली हाथ वापस ना जाए, इतना पैसा आपको कमाना चाहिए, क्योंकि देने वाले कम है लेने वाले ज्यादा है। आप सब मत दो, जितना दे सकती हो उतना दो, लेकिन कोई रोज मांगने नहीं आता है, मजबूरी नहीं आता होगा, और जब वो आता है तो मर चुका होता है, लेकिन आपके जेब में इतना होना चाहिए कि भाई मैं जितनी मदद कर सकती हूं उतना ले जा, खत्म हो गई। हिटलर के यहां कहा जाता था कि लोगों को पकड़ा जाता था और मार दिया जाता था। मुझे उम्मीद है ये कहानी कुछ लोगों में आंख पैदा करेगी। जिस जिस शहर में और जिन जिन देशों में ये कहानी मैंने सुनाई है वहां 31 से 40 दिन के अंदर लोगों ने अपनी इनकम में 35% का जंप लिया है, 35%। और मुझे पता नहीं इस कहानी को कौन कैसे सुन रहा है। 1991 में जब मैंने ये कहानी सुनी थी तो मैं कहां से कहां पहुंच गया मुझे पता है। हिटलर का ये कहा जाता था कि जिसको भी वो पकड़ता है वहां मौत निश्चित है, भागना असंभव है। आपने पढ़ा होगा हिटलर लोगों को मार देता था, जला देता था, कहानियों में लिखा है, पढ़ लीजिएगा। लेकिन दोस्तों हमारे मन की क्षमता अजीब है, हमारी मन की कैपेसिटी अजीब है। एक दुबली पतली मां जितने जीवन में मान लो कोई भारी सामान ना उठाया हो, मां है, लेकिन वो एक गाड़ी को भी पलट सकती है अगर उसका बच्चा नीचे आ जाए। आपने देखा है ऐसे वो कितना जोर लगाती है ताकि गाड़ी को धक्का दे सके या हिला सके। ये जो मैं आपसे पावर की बात कह रहा हूं, ये पावर को बोलते हैं इमरजेंसी पावर। ये पावर तभी काम करती है जब आपके अंदर सपने होते हैं, जब सपने नहीं होते ये पावर काम नहीं करती है। अगर आपने सपने 1000 रुपए का रखा है और सपने अगर 50,000 का रखा है, माफ कीजिएगा ये पावर काम नहीं कर पाएगी। जितने जीरो आगे बढ़ते जाएंगे पावर मल्टीप्लाई होती जाएगी। क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं? हिटलर ने 1000 लोगों को पकड़ा और उनकी डेट फाइनल कर दी गई, 31 दिसंबर को इन लोगों को मार दिया जाएगा। और हिटलर के यहां पकड़ जाने का मतलब है मौत निश्चित है, भागना असंभव है। लेकिन दोस्तों हमें नहीं पता हमारा मन कैसे काम करता है। आज जाते जाते सोचिएगा, और जिन मैं चेहरे पढ़ता हूं अपने सेमिनार के दौरान, और चेहरे में मैं बता सकता हूं कि कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनके अंदर वो आग पैदा हो रही है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ध्यान से सुनिएगा। 1000 लोगों को पकड़ा गया और उनकी डेट फिक्स कर दी गई कि उनका मरना निश्चित है। 999 लोग मरने की तैयारी कर रहे थे। एक उसमें से ऐसा था, उसने कहा गारंटी है मैं यहां से भाग जाऊंगा। क्या मैं आप तक पहुंच रहा हूं दोस्तों? यस। जरा जो हमारा मन एक चुंबक है, आप जैसा अंदर में भरते हैं वैसा घटना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं चीजों को आकर्षण करने की कला। चीजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, चीजें आपके पीछे भागेंगी। आज अगर आप हैं तो राजेश अग्रवाल की वजह से नहीं है, पेबैक की वजह से नहीं है, माफ कीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके मन में था मुझे एक ऐसा मंच मिले जहां मैं कमाना भी सीखूं, बोलना भी सीखूं, लोगों से मिलना भी सीखूं। उस इच्छा ने आपको यहां लेकर आई है। आपके अंदर वो सपना था तभी आप यहां मौजूद हैं, वरना तो पूरा भारतवर्ष इकट्ठा हो जाए। सबके अंदर सपना नहीं है, केवल 3% लोगों के अंदर सपना होता है। 999 लोग मरने को तैयार थे। एक उसमें से आदमी था जो कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो मैं यहां से भाग के निकल जाऊं। 999 लोगों ने मरने का सपना देखा, एक ने भागने का सपना देखा। अब आप देखो चीजें कैसे घटती है। 999 लोग प्रार्थना कर रहे हैं, भाई ज्यादा तकलीफ देके मत मारो, एक शॉट में खत्म कर देना। एक कह रहा है कोई ना कोई रास्ता 31 तारीख तक मिल ही जाएगा। क्या आपके जीवन में ऐसा हुआ है जब आप रात को ये कह के सोते हो
अब मैंने छोड़ दिया, कब तेरे ऊपर है, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। कितने लोग लाइफ में ऐसा हुआ है? ठीक है, और रास्ता निकला होगा। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं विश्वास और आस्था में क्या फर्क है। विश्वास इंसानों के साथ टूटता है, आस्था भगवान के साथ होती है, जो कभी नहीं टूटता है, कभी नहीं टूटता है। आपका विश्वास इंसान में टूट सकता है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, आप मेरे, लेकिन आप कभी ये नहीं कहते मैं भगवान पर विश्वास या आस्था नहीं, क्योंकि आपको पता है आज टूटा है विश्वास, कल टूटा है, लेकिन परसों कुछ ना कुछ चमत्कार होगा ही होगा। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? जरा जोर से पहुंची। जब हमारे हरियाणा में इतनी तकलीफ चल रही थी उस दिन से, मैं टीवी पे देख के हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, वही कर सकता हूं और क्या कर सकता हूं, एज अ सिविलियन प्रार्थना करता है, भगवान शांति, पीस, शांति। इतने सारे मेरे मित्र चाहने वाले, हमारा प्रोग्राम 21 तारीख को होना था, डिले होकर 28 को हो गया, और मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, ईश्वर 28 को होगा ही होगा, सब आएंगे, फिर हम लोग बात करेंगे, मोटिवेट करेंगे, और ईश्वर ने मेरी सुनी, आप बैठे हो और हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसी शहर में। 999 लोग मरने की सोच रहे हैं, ध्यान देना, मेरी जितनी बहनें यहां मौजूद है, सारे भाई यहां मौजूद है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ध्यान देना मेरी बात पे, बच्चों को खेलने दो, क्योंकि चमत्कार आप ही करोगे स्टोरी के बाद। एक ने सोचा मुझे आने वाले 31 तारीख तक रास्ता मिलेगा ही मिलेगा, आप स्कूल गई हैं नहीं गई हैं इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। हमारा दिमाग चुंबक की तरह काम करता है, जैसा कमांड देते हो वैसा घटना शुरू हो जाता है। बहुत सारी लड़कियां जिन्होंने शादी नहीं की है, क्योंकि उनको पता है मैं काउंसलर हूं, वो मुझसे काउंसलिंग करवाने आती है, पति कैसे खोजें, ऑब्जेक्टिव हो गई है उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो बहुत सारी मेरे पास सजेशन लेने आती है, अच्छा पति कैसे खोजें, मैंने कहा अच्छा की गारंटी नहीं, पहले पति तक आते हैं, फिर पूछती है सुखी पति कैसे खोजें, मैंने कहा सुख से पति का कोई लेना देना नहीं है, सुख व्यक्तिगत मामला है, पति सामाजिक मामला है। अब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कुछ ऐसी, तो मैं उनको एक टेक्निक बताता हूं कि अगर आप 24 घंटे, जिनकी शादी हो चुकी है वो भी और जिनकी नहीं हुई है वो भी सुन ले इसको, अगर आप 24 घंटे मन में ये कल्पना करें कि मेरा घर शांत होने वाला है, मेरे घर में शांति आने वाली है, धीरे धीरे 90 दिन में माहौल पैदा होना शुरू हो जाता है। 999 लोग मरने की तरफ ध्यान दे रहे थे, एक ने ये कहा कुछ भी हो 31 दिसंबर से पहले पहले मैं यहां से, थोड़ा जोर से बोला जाए, कुछ भी हो 90 दिन आते आते मैं कोई चमत्कार कर जाऊंगी या कर जाऊंगा, जैसा आप सोच जेंडर है उस हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। हाँ, आजकल बड़ा मुश्किल हो जाता है, ज्यादा बोल भी नहीं सकते। दोस्तों, उस इंसान ने देखा जिनको मारने के लिए लाया जा रहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से, जिनको मारने के लिए लाया जा रहा है उनको गिना जाता है, मारने के बाद लाशें जिस ट्रक में लादी जा रही हैं उनको नहीं गिना जा रहा है। रास्ता मिला, ये इंसान अपने सारे कपड़े उतार के मरी हुई लाशों के बीच छुप गया। इंसान की क्षमता सीमित है, बिना खाए आप 21 दिन रह सकते हैं, इसीलिए तो हम 21 दिन का व्रत करते हैं, क्योंकि अंदर में जो खाना इकट्ठा है उसको खाना शुरू कर देते हैं। हाँ, किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, बता देगा आप बिना पानी के 3 दिन रह सकते हो, लेकिन बिना खाए 21 दिन कम से कम। ईश्वर चमत्कार है, गजब है, उसका खेल निराला है, हमसे कुछ नहीं है उसके, मेरा मोटिवेशन कुछ नहीं है उसके चमत्कार के आगे। क्या मैं पहुंच रहा हूं आप तक? बिना खाए 21 दिन वो लाशों के साथ जुड़ गया, और वो ट्रक रात को बाहर निकला, शहर से 30 किलोमीटर दूर लाशें गिराई गई, इसमें वो भी गिरा, और वो उसी अवस्था में 25 किलोमीटर दौड़ता हुआ, 30 किलोमीटर दौड़ता हुआ सुबह तक अपना घर पहुंचा। और जब हिटलर मर गया उसके बाद उसने अपनी स्टोरी लिखी, और स्टोरी में ये वाली कहानी लिखी, और कहानी में उसने अंतिम बात जो लिखी है वो पूरी मेरी बातों का सारांश है। उसने लिखा है, वो लोग मरे क्योंकि उन्होंने मरने के लिए सोचा था, मैं बचा क्योंकि मैंने बचने के लिए सोचा था। काश सोचना सबके बस की बात होती। आप कहेंगे नहीं, मैं तो सोच रही हूं। नहीं, सब सोचते नहीं है, सब अगर सोचते तो चमत्कार हो जाते। हम सब सोचते नहीं है, हम सब बंधी हुई धारणाओं से जुड़े हुए हैं। हम सब सोचते कहां है? एक लड़का इंटरव्यू देने जाता है, मौखिक इंटरव्यू, समझते हैं ना आप मौखिक, जो
और इंटरव्यू देने जा रहा है तो जो बाहर आ रहा है इंटरव्यू देकर उससे पूछता है जल्दी बता क्या पूछा है। उसने कहा कुछ नहीं, बस तीन प्रश्न पूछे हैं, भारत को आजादी कब मिली। तो मैंने कह दिया बहुत दिन से कोशिश चल रही थी, अंत में 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए। दूसरा प्रश्न पूछा आजादी में कौन कौन लोग शामिल थे। मैंने कहा दो दल थे, नरम दल और गरम दल। नरम दल में गांधीवादी और गरम दल में सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह वाली कैटेगरी। तो उसने कहा तू प्रश्न छोड़, तू तो बस ये याद रख, कोशिश तो बहुत दिन से चल रही थी, अंत में 15 अगस्त 1947 को, और दो दल तू ये याद रख, प्रश्न तो आएगा ही ये वाला। अब देखो जो आदमी सोचता नहीं उसकी हालत क्या होती है। वो गया इंटरव्यू देने, उससे पूछा गया तुम कब पैदा हुए। सर कोशिश तो बहुत दिन से चल रही है। अंत में दूसरा प्रश्न, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। सर दो दल शामिल थे। ये होता रट्टू प्रसाद जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। मैं आपके सामने इससे पहले कि मैं आगे चलूं 5 बातें बताऊंगा। पहली बात सोच पर मैंने बोली, दूसरी बात मैंने हिटलर की कहानी पे बोली। इसको याद रखिए, इस दुनिया में केवल दो ही तरह के प्रश्न हैं जो आपको आगे ले जाएंगे, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, वर्किंग लेडी हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, नौकरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, केवल दो ही प्रश्न ले जाएंगे इस बिजनेस में नंबर वन बनने के लिए। और वो दो प्रश्न हैं, मुझे क्या चाहिए और उसे कैसे पाना है। बस क्या आप रिपीट करेंगे दो प्रश्नों को मेरे साथ? नहीं नहीं, जितनी ऊंची आवाज में कर सकूं। मुझे क्या चाहिए और उसे कैसे पाना है। ये दो प्रश्न लेकर ही आप नीचे उतरिएगा, बस इसके अलावा कोई प्रश्न सोचना नहीं है। माफ करना, मेहरा साहब ने अपना परिचय दिया था कि कुछ लोग मुझे अब समझ रहे हैं ना, उन्होंने परिचय दिया था, बहरा समझ लेते हैं। अच्छा है, इस बिजनेस को करना तो थोड़ा बहरा बनना पड़ेगा। क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं? आपको दो ही बात पूछनी है लोगों से, तू आ रहा है या जा रहा है। एयर इंडिया का सिंबल देखा होगा, तू आ रहा है या जा रहा है। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, मैंने एक शख्स को सुना जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं उस हर शख्स को हर वक्त याद करता हुआ सेमिनार देता हूं। आप शायद उनको ना जानते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा अब तो जानना ही पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर में आपको रहना पड़ेगा। तो जब आप पेबैक की साइट खोले तो इस शख्स के नाम भी खोल लीजिएगा। इनका नाम अंग्रेजी में जिम रॉन है, JIM जिम ROHN रॉन। ये मेरा गुरु है जिनसे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करने की बिजनेस सीखा और ट्रेनिंग देने का बिजनेस सीखा। मेरे गुरु ने एक ही चीज सिखाई थी, एक ही चीज, कि जिसको भी तू प्लान दिखाए और प्लान दिखाने के बाद तुझे ये बोले बेकार चीज है, यही बोले ना। तो जवाब सुन लीजिए, आज जवाब सुन लीजिए, आप उछलते हुए घर जाओगे। उससे पहले मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाना था, यार कैसी बात कर रहा है, नेगेटिव। लेकिन जब गुरु ने ट्रेनिंग दे दी तब मैं पॉजिटिव हो गया। जब प्लान में दिखाता कोई कहता बेकार है, मुझे नहीं। मेरा जवाब देख भाई, मैं 10 लोगों को ये प्लान दिखाता हूं, 9 लोग वही बोलते हैं जो तू बोल रहा है। एक होता है जो मेरे साथ आ जाता है, वो एक ही कार अचीव कर पाता है जिसको आज कार मिलेगी। मेरा जवाब, तुझे यहां बैठ के डिसाइड करना है तू 9 का हिस्सा बनना चाहता है या खत्म। मुझे डिसाइड नहीं करना है, मैं तेरे पैर नहीं पकड़ूंगा, पे बैक में आ जा। हीरो को भीख मांग के बेचा नहीं जाता, हीरो को दिखाया जाता है। मैं भीख नहीं मांगूंगा, आ जा प्लीज, नहीं आ जा मत आ, मुझे जरूरत नहीं है तेरी, और कोई अहंकार नहीं है, तुझे अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, तेरी किस्मत बने अच्छी बात है। क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं? ये ट्रेनिंग लेने के बाद, ट्रेनिंग से पहले प्लीज यार, प्लीज परचेस कर ले। तू परचेस करेगा तो समझ ले तेरे को तो डिस्काउंट मिलेगा, मेरी इनकम भी होगी। क्यों प्लीज, क्यों? आप उसको एक अर्निंग सोर्स दे रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम करने का माध्यम दे रहे हैं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? प्लीज क्यों? आप
तो रंगबाजी की तरह बात करें। होम मीटिंग जब भी बुलाएं, अब ये लंबा सेमिनार जब होगा तो मैं पूरे प्रोसेस में जाऊंगा, होम मीटिंग जब भी बुलाएं 7 लोगों से ज्यादा ना बुलाएं। और सबसे पहले लोग कहते हैं चाय वाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। बिजनेस का सेमिनार दिखा रहा हूं, 1 घंटा पूरा टाइम लूंगा, समझ में आए तो ठीक है, ज्वाइन करेगा तो चाय मिलेगी, वरना नहीं मिलेगा। ये ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने सीखा, क्योंकि हम चाय खाना लंच, आप तो बहुत अच्छे हो, जब हम सेमिनार करते हैं पहले पूछते लंच है क्या प्रोग्राम के अंदर। मैंने कहा यार लंच वैसी पेट में जगह नहीं है, किडनी और इधर में गुर्दे कलेजे फेफड़े उसमें जगह कहां है, ऊपर से लंच नहीं, सब तब तक खाएंगे नहीं तो प्लान कैसे दिखाएंगे, खाने के बाद तो वैसे ही मर चुका, अब तक प्लान कहां दिखाएगा। मेरी बात सीरियसली आप तक पहुंच गई? पहली चीज मुझे क्या चाहिए, उसे कैसे पाना है, तो आपको क्या करना है। देखो आप सब मास्टर पीस हो इस लाइन में, लेकिन जितनी मेरी अकल और अनुभव है मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो मैंने किया, सबसे पहले आपको आंख मीच के लिस्ट बनानी है और लोगों को मिलना है, ये सोच के मिलना है कि ये ना बोलेगा। आप जानते हैं टेलीकॉलर सुबह सुबह जो फोन आपके मोबाइल पे करते हैं, लोन चाहिए, हाथी भी रहते हैं, लोन चाहिए आपको, इनका मैं साइंस समझाता हूं। इनके बॉस पता है इनको सैलरी क्यों देते हैं, इनको सैलरी देते हैं कि जितना ना तू सुनेगी, मान ले तूने 10 फोन किए और 10ों ने ना बोला तो मैं तुझे 11वें ना पे आज का लंच फ्री दे दूंगा। ना सुनने के लिए तुझे फोन करना है, हां तो भूल ही जा, तुझे फोन करेगी। लोन चाहिए, लोन चाहिए, अब आज तक इसको लंच नहीं मिला क्योंकि 10 में से 8 तक कोई ना कोई हां बोल ही देता। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप 10 लोगों से पे बैक के बारे में बात करेंगे तो 10 में 10 ना नहीं बोलेंगे, बीच में कोई टपक जाएगा हां, मगर 10 नंबर के हां पहुंचने के लिए 9 लोगों से ना सुनना ही पड़ेगा। इतना जोश है, इतना दम है, इतनी आग है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको पे बैक में टॉप अचीवर बनने से रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकती। मुझे नहीं पता मेरे साहब हाउ मच टाइम आई हैव, ऑलमोस्ट आई हैव स्टार्टेड एट 2 o'clock, थोड़ा 5 मिनट और ले लूं आपसे मैं, लास्ट राउंड है क्योंकि 2 बजे मैंने शुरू किया था, उसके बाद और भी स्पीकर से आप उनसे सीखना चाहेंगे। तो आज जाने के बाद थोड़ा सा सीरियस हो जाए, अब मैं सीरियस समझाता हूं, इसको समझिए। एक तो मैं चाहूंगा आप अपने घर में या किसी को भी प्लान दिखाने जाएं तो अपनी ड्रेसिंग बहुत अच्छी रखिएगा, ड्रेसिंग बहुत अच्छी रखिएगा। मुझे अच्छा लग रहा है जो लोग बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, अब सभी दिख रहे हैं जहां से मैं देख रहा हूं। इस बिजनेस का थंब रूल है वो है फर्स्ट इंप्रेशन इज, मेरी कविता है, आपके भीतर क्या है लोग बाद में जानेंगे, पहले आपके हुलिये से आपको पहचानेंगे। खाली खोपड़ों से भीड़ भी नजर बचाती है और भरे हुए समुद्र के पास नदी लग जाती है। तो जब भी आप किसी को बिजनेस प्लान दिखाएं, मैं जब बंगाल में जाता हूं तो उनसे मैं कहता हूं भाई लुंगी पहन के प्लान मत दिखाना, लुंगी पहन के बनियान पहन के आजा, या पेबैक का आया आया आया, आया। ये घिनौनी हरकत ना, तुम एक बिजनेस कर रहे हो तो तैयारी भी बिजनेस जैसी होनी चाहिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? तुम्हारी पर्सनैलिटी में, तुम्हारी ड्रेसिंग में, तुम्हारी फ्रेशनेस में इल्ली बिल्ली सुगंध आनी चाहिए, हर चीज मायने रखती है, क्योंकि अब आप केवल नौकरी वाले नहीं हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक बिजनेस लेडी हो, बिजनेस वुमन हो। इसी सेमिनार के अंदर मुझे याद है 10 साल पहले एक महिला से मिला, ऐसे ही किसी सेमिनार में, और इतनी खूबसूरत, काश मैं शादी ना की होती अगर मैंने 20 साल पहले, तो मेरा मन ही आ गया था पूरा। मेरा साहब हमारे पूरे परिवार को जानते हैं, मैंने इनसे कहा मेरा साहब आज दिल डोल रहा है, नहीं सर मैं कह दूंगा घर पर फोन करके, बट शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, बहुत खूबसूरत, ना सिर्फ दिखने में, ड्रेसिंग किस अलाइनमेंट में साड़ी पहननी है, कैसा दिखना है, एकदम हर चीज में, जो साड़ी तो ब्रेक में मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, ब्रेक जब हुआ लंच, मैंने कहा मैडम बुरा मत मानना,
नियत ना बदल जाए इससे पहले मैं कह देता हूं आप बहुत खूबसूरत हैं, यू आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। शी सेड इसमें नियत की क्या बात है, मैं हूं तो आपने कॉम्प्लीमेंट दिया, वो भी मजेदार थे, वो भी देखो पावर थी उसमें, मैंने कहा आप बहुत अट्रैक्टिव है और आप एक अचीवर भी है इस कंपनी में जिनके लिए मैं प्रोग्राम कर रहा था, तो मुझे आप अपनी स्टोरी बताएं, मतलब आपको देखकर ऐसा लगता है कुछ आपके जीवन में घटा जरूर। कहती है 18 साल के बाद पूछना पड़ेगा क्यों, तो पति का जवाब, वैसे तो मैं तेरे पर विश्वास करता हूं वैसे, पर क्यों? दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके जीवन में कोई दर्द नहीं है तो चमत्कार आप नहीं कर पाएंगे। उसको इतनी ठेस लगी, सुनिएगा, उसको इतनी ठेस लगी, उसने कहा आज के बाद जब तक सांस लूंगी पैसे नहीं मांगूंगी। आत्मसम्मान को चोट लगी, उसने नेट पर खोजना शुरू किया कि मैं घर बैठे क्या कर सकती हूं, दोस्तों से बात करना शुरू किया, तो किसी दोस्त ने आके एक्स्ट्रा इनकम बिजनेस के बारे में उसको बताया, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, क्या तू बैठ के बस ये कर, बस लोगों से मिल, धीरे धीरे सीख जाएगी। ना उसको बोलना आता, ना कपड़े पहनने आते उस समय, ना ठीक से चलना आता, बोले मैं बिल्कुल ऑर्डिनरी हाउसवाइफ, आप सब स्मार्ट उससे जो बैठे हुए हो। अरे राजेश जी, मैं ना सुनती गई, बेइज्जती सुनती गई, काम करती गई, और आज स्थिति यह है जितनी मेरी पति की तनख्वाह है उससे 10 गुना मेरा पिया उगाता है। अब सुनिए, मैंने उसको बोला डिवोर्स क्यों नहीं दिया, छोड़ देती, बोले ना मजा तो अब है। मैंने कहा कैसे, बोले हर 20 तारीख को ये बोलते हैं कुछ पैसे हो तो दे देना, और मुझे उनको देने में जो मजा आता है वो डिवोर्स में नहीं आ सकता है। अब आप इसको मजाक लें या सीरियस लें, लेकिन ये कहानी मैंने सुनी, उसको वही जोश पे आउट कमाने में मदद करता है। तो जाते जाते मैं आपसे ये कहूंगा, आपके अंदर अगर कोई स्टोरी नहीं है कि मैं क्यों कमाना चाहती हूं, कैसे कमाना है, कहां कमाना है, वो सब हमें पता पड़ गया, लेकिन मैं क्यों कमाना चाहूं, मैं इसलिए कमाना चाहती हूं, जैसा कि मुझे एक लेडी ने कहा था आपसे 15 साल पहले, और उसने कहा था राजेश जब भी महिलाओं का सेमिनार दो तो एक महिला के नाते सारे सब लोगों को यह बात जरूर बता देना। उसका नाम ममता था, मुझे आज भी याद है, वो कह के गई थी, ममता ने कहा था कि पति चाहे भगवान के बराबर भी क्यों ना हो लेकिन कोशिश करें उसके आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। बुरा मत समझ, इसमें कोई रिश्तों को लेकर परेशानी नहीं है, कोशिश करें कि आप अपने पैर पे खुद खड़े रहो, क्योंकि आप सब में असीमित क्षमता है। मेरा सपना है भारत अमीर बने, सुखद बने, सफल बने, केवल शहर के लोग नहीं, गांव के लोग, और उसमें पेबैक का जो रोल है वो एक असाधारण रोल, और मैं एक छोटा व्यक्ति, छोटा सा ट्रेनर, अपना रोल जितना निभा सकूं निभाऊंगा, आपको और ट्रेनिंग देना चाहूंगा, आपको मंच पर मैं देखना चाहूंगा, आपके लिए तालियां मैं बजाना चाहूंगा आने वाले वक्त में। तो सितारों को आंखों में महफूज कर लो, हर तरफ रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, पे बैक के इसी मंच पर बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद।